हेलो एवरीवन, वेलकम टू मस्त मस्त मसाला रसोई। आज हम बनाने जा रहे हैं टूटी फ्रूटी केक, जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, सॉफ्ट और स्पंजी है। और आप मार्केट से भी ज़्यादा अच्छा केक घर पर भी बना सकते हैं, वो भी बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट से। तो चलिए फिर देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। अब हमने केक टिन लिया है। अब हम इस केक टिन को घी से ग्रीस कर लेंगे। अब हम इसमें मैदा डाल देंगे और इसे इस तरह से चारों तरफ घुमाते हुए पूरे टिन को मैदे से अच्छे से कोट कर लेंगे। जो एक्स्ट्रा मैदा है वो दूसरे टिन में डाल देंगे। यह देखिए, हमारा केक टिन तैयार हो गया है। इसी तरह से हम दूसरा केक टिन तैयार करेंगे। एक कटोरी में टूटी फ्रूटी ले लेंगे, इसमें मैदा डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ऐसा करने से टूटी फ्रूटी पूरी केक में इवनली फैलती है। अगर आप बिना मैदा से कोट किए टूटी फ्रूटी डाल देंगे तो सारी टूटी फ्रूटी केक के बेस में जाके नीचे बैठ जाएगी। अब हम इसमें टूटी फ्रूटी इस केक के बैटर में डाल देंगे। अब इसे हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे। केक का बैटर बन के तैयार है। केक का बैटर कैसे बनाएं, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। अब हम इसमें केक का बैटर डाल देंगे। केक टिन को 2-3 बार टेप करेंगे ताकि इसमें जो भी एयर बबल्स होगी निकल जाएगी। इसी तरह से दूसरे केक टिन में बैटर डालकर टेप कर लेंगे। यह देखिए, दोनों टिन बनके तैयार हैं। अब हमने ये तंदूर पहले से ही 5-10 मिनट तक लो फ्लेम पर रख दिया था और ढक्कन लगा देंगे। इसे 40-50 मिनट तक हम बेक होने देंगे। ध्यान रहे, तंदूर का ढक्कन बीच में खोलना नहीं है। 50 मिनट के बाद हम इसमें टूथपिक डालकर देखेंगे। टूथपिक बिल्कुल क्लीन बाहर आई है। इंट मीन्स केक हमारा अच्छे से बन चुका है। अब हम इसे रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए रख देंगे। अगर आप हो सके तो इसे कपड़े से कवर कर देंगे, केक ऊपर से ड्राई नहीं होगी। यह देखिए, केक ठंडा हो चुका है। अब इस केक टिन को प्लेट में डाल देंगे, ऊपर से 2-3 बार टेप करेंगे। अब हम नाइफ से इस तरह से बराबर कट कर लेंगे। हमारा वीडियो कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यह देखिए, केक कितना स्पंजी बना है और इसकी जाली भी बहुत ही अच्छी बनी है। थैंक यू वेरी मच।